लखीमपुर खीरी में तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर किसानों का एक वर्ग जो अभी भी डीजल इंजनों से खेतों की सिंचाई कर रहे हैं उनकी कमर तोड़कर रख दी है इस महंगाई ने। कोरोना ने पहले की उनके लिए दिक्कतें बेशुमार, तो वहीं लगातार बढ़ रही तेल की कीमतों ने किसानों की परेशानी को दोगुना कर दिया। अब किसानों पर रोजी रोटी का संकट अच्छा खासा मंडरा रहा है। हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को जाना। कहते हैं कि तेल से आग लगती है, लेकिन इन दिनों तेल में खुद आग लगी हुई है और वो आग है लगातार तेल की बढ़ती हुई कीमतों की। पिछले एक पखवाड़े से बात की जाए तो लगभग 10 रुपये तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। एक और जहां वाहन चलाने वाले और छोटे मोटे कल कारखाने जो इन दिनों चल रहे हैं उनका तो बजट बिगड़ा ही है, साथ में किसानों के लिए भी एक दिक्कत आई है। इन समय ऐसे ही पहुंची R9 की टीम उन किसानों के बीच में जो इन दिनों अपने धान की रोपाई कर रहे हैं, जो सिंचाई के लिए डीजल इंजन पर निर्भर हैं। देख सकते हैं कि धान का काम चल रहा है, किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। चूंकि प्री मानसून अभी आया नहीं है, बारिश अभी होना शुरू नहीं हुई है, तो ये डीजल इंजन पर निर्भर है। ये बात करते हैं कि बढ़ती हुई कीमतों को लेकर किस तरीके की इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भैया क्या नाम है आपका? अनुज कुमार जी। क्या करते हैं? किसानी करते हैं। तो इस समय तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही मालूम है? हाँ जी, 2-15 दिन में करीबन 2 रुपये करके 10 रुपये बढ़ रहा है। 10 रुपये 15 दिनों में लगभग 10 रुपये बढ़ गया है, तो क्या अंतर आया इसके? आप अंतर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जो 1 एकड़ में 400-500 रुपये का डीजल लगता था, अब वहाँ पे 600-700 रुपये का डीजल लग रहा है, तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो रही है। घर में मजदूर भी नहीं मिलता, 150 रुपये चलता था, अब 200 रुपये मिलता है, तो दिक्कत तो होगी। दिक्कत होगी जी। बस जो घर में सारा बजट था वो तो कोरोना से कोई कमाई होती नहीं, सब्जी वो कहीं ना कहीं से आपका बजट बढ़ाया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बजट बढ़ाया। क्या कहना चाहेंगे, डीजल की कीमतों पर नियंत्रण हो? डीजल की कीमतों पर थोड़ा रोक हो और तो किसानों को राहत मिले ज़्यादातर। नहीं, देखिए किसानों का कहना है कि डीजल की अगर कीमतों पर नियंत्रण हो तो शायद इनको कुछ सहूलियत मिल सके। कहीं ना कहीं से इनका पूरा बजट बिगड़ा है कि 1 एकड़ में अगर सिंचाई की बात करें तो 400 की जहां लागत लगती थी वहां 600 रुपये, यानी कि लगभग 10 रुपये लीटर का जो डिफरेंस है वो इनके बजट को कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहा है। इनका कहना है कि पहले से ही कोरोना काल में इनकी सब्जियाँ पहले सस्ती बिकी थी और अब जब धान एक ऑप्शन आया है उसके रोपाई कर रहे हैं तो वहाँ भी तेल की बढ़ती कीमतों ने कहीं ना कहीं से इनके बजट को डिसबैलेंस किया है। अगर देखा जाए तो किसानों के लिए लगातार बढ़ रही है तेल की कीमतें करेला पर नीम चढ़ने वाली बात हो गई है। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन अजय मिश्रा के साथ गोपाल गिरी, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।